हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे वी विल स्टडी इन इंग्लिश क्लास सेकेंड यूनिट नंबर 1 पार्ट 2 हाउ दिस एडवेंचर। उसमें हम पहुँचे हैं पेज नंबर 12 पर। एक पोयम है, वो मैं पहले आपको रिसाइट करके दिखाऊंगी और फिर आपको एक्सप्लेन करूंगी। पोयम का नेम है द पेडलिंग पूल। इसका मीनिंग है एक छोटा सा तालाब। पहले मैं रिसाइट करती हूँ, आपको भी मेरे साथ साथ गाना है। डाउन बाय द रिवर ऑन द वे टू स्कूल, डाउन बाय द रिवर ऑन द वे टू स्कूल, वी हैव टू पास बाय द पेडलिंग पूल, वी हैव टू पास बाय द पेडलिंग पूल। ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो स्कूल जा रहे हैं, तो डाउन बाय द रिवर नदी के किनारे से, ऑन द वे टू स्कूल स्कूल जाने के रास्ते पे, वी हैव टू पास। हम बच्चे कह रहे हैं कि हम वहाँ से गुजरते हैं, हमें वहाँ से गुजरना पड़ता है बाय द पेडलिंग पूल। ये जो पेडलिंग पूल छोटा सा तालाब है उसके पास से हमें रोज़ गुजरना पड़ता है। ऐसे छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाने के रास्ते पे एक उसको पेडलिंग पूल है रास्ते में पड़ता है, तो बच्चे वहाँ पे ऐसे कागज़ की बोर्ड बना के उसमें पेडलिंग करते हैं और अलग अलग टॉयज़ भी बना के उसमें डालते हैं। The grass is green and the water cool. The grass is green and the water cool. And we stay to play by the paddling pool. बच्चे क्या कहते हैं कि ये जो हमारे स्कूल जाने के रास्ते पे एक छोटा सा पेडलिंग पूल है उसके आसपास हरा हरा घास है, और ये जो तालाब है उसका पानी कैसा है, कूल है, ठंडा है, तो हम वहाँ पे एंड वी स्टे टू प्ले, हम वहाँ पे रुक जाते हैं खेलने के लिए। बच्चे देखो यहाँ पे ये तालाब है, इसमें खेल रहे हैं और छोटी सी बोट बना के इसमें चला रहे हैं, पेडलिंग कर रहे हैं। डाउन बाय द रिवर ऑन द वे टू स्कूल, स्कूल जाने के रास्ते पे, नदी के किनारे से स्कूल जाने के रास्ते पे बच्चे हैं वो स्कूल जाते हैं, तो रास्ते में ताला पड़ता है तो बच्चे वहाँ पे रुक जाते हैं और वहाँ पे कागज़ की बोर्ड बना के उसमें बोर्ड चलाते हैं और वहाँ पे खेलते हैं। नेक्स्ट है, लेट्स राइट, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। देखो यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स दी है, ये ब्रैकेट में से सही आंसर है वो यहाँ पे लिखना है। पहले है बोट्स, तो बोट्स के सामने लिखेंगे हम सेल, बोट्स को चलाना, सेल करना। फिर है डॉग्स, तो डॉग्स है वो क्या करते हैं, बार्क करते हैं, तो यहाँ पे लिखना है बार्क इसमें से देख के। फिर है चिल्ड्रन, बच्चे, बच्चे क्या कर रहे, तो क्या प्ले, वो खेल रहे। बेल, बेल्स, बेल्स से वो रिंग कर रही है, तो यहाँ पे लिखना है रिंग। फिर है बर्ड्स, बर्ड्स से वो क्या करते हैं, सिंग, गाते हैं, तो यहाँ पे लिखना है सिंग। नेक्स्ट है, राइट द नेम्स ऑफ द डेज ऑफ द वीक यू कैन बिंग विद संडे। यहाँ पे नीचे डेज ऑफ द वीक के नेम लिखे हैं आपको, संडे से लेके सैटरडे तक के सारे नेम्स यहाँ पे लिखने हैं। हल्दी रोट हर नेम एट स्कूल इन दिस वे, हल्दी शी मेड वन मिस्टेक, वॉट वॉज इट। यहाँ पे हल्दी है वो, उसने एक मिस्टेक की है, स्कूल जा रही है उस, तो उसके नेम में मिस्टेक है, क्या मिस्टेक है वो मैं ढूंढना है, राइट हर नेम करेक्टली। तो यहाँ पे हल्दी में जो एच है वो कैपिटल आएगा, तो हमें कैपिटल में यहाँ पे हल्दी ऐसे लिखना है। नाउ राइट योर नेम करेक्टली, अपना नाम यहाँ पे बच्चों अपने आप अपना नाम यहाँ पे लिखना है, और अपना नाम का पहला जो
वर्ड से वो कैपिटल में लिखना है। हल्दी रोट आई मेट अ जिराफ, हल्दी ने क्या लिखा है, आई मेट अ जिराफ, लेकिन इसमें आई है वो उसने कैपिटल नहीं किया है, तो हमें उसको सही करना है। यहाँ पे कैपिटल में आई लिखना है, आई मेट अ जिराफ। फिर नीचे लिखना है हिज नेम इज स्माइली, ये हिज में एच है वो कैपिटल करना है, तो पहले में लिखना है आई मेट अ जिराफ, फिर हिज नेम इज स्माइली, तो ये दोनों सेंटेंस ऐसे लिखने हैं। तो बच्चों होमवर्क में आपको सेन राइट वन टाइम इन योर ए पोयम है वो अपने फोर लाइन बुक में आपको लिखनी है होमवर्क में।